देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 131, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें आप सभी को मैं 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं। और इसमें खास तौर से 2021 से लेकर के 2023-24 तक के हम सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो खास तौर से आपके एग्जाम में आते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिएगा BHDC 131 पहला जो क्वेश्चन पेपर है, फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है, पहला स्टार्टिंग पेपर यही हुआ था BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे आप सबको पता होगा कि एक 100 नंबर का पेपर होगा और एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 35 नंबर चाहिए, 100 में से 35, 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आते, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, और 20 नंबर के क्वेश्चन को लिखने के लिए कम से कम 4 से 4.5 या 5 पेज, मान लो 4 से 5 पेज के बीच में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो हम क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यहां पर जितने मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं उसमें से आप जितने क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग अनुमान लगा देना कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन समस्या पर प्रकाश डालिए, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। और एक बात बता दूं, पहले चैप्टर से 100% ये रहता है कि पहला क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो कि काल विभाजन से आता है, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता बताओ, कि जो भक्ति आंदोलन, ये तीसरा चैप्टर बुक में अगर मैं बात करूं तो भक्ति आंदोलन की कौन कौन सी विशेषता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के विषय पर एक निबंध लिखे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया इसने, जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है इस पर एक निबंध लिखना, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, रीति मुक्त कवियों का परिचय देते हुए उनके योगदान की चर्चा कीजिए, यानी जो रीति मुक्त कवि हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनका योगदान क्या है, 20 नंबर का क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति बताओ, यानी जो द्विवेदी युग है उसमें किस प्रकार की प्रवृत्ति थी, 20 नंबर का क्वेश्चन। अगला देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद युग में हिंदी उपन्यास के विकास किस प्रकार स्पष्ट हुआ, यानी जब प्रेमचंद युग है उस समय जो हिंदी उपन्यास है उसके विकास को बताना है, ठीक है, 20 नंबर का छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, सिद्धि और नाथ काव्य धारा की विशेषताओं, इसमें क्या पूछा गया है, सिद्धि और नाथ काव्य धारा की विशेषताओं को क्या करना आपको यहां पर बताना है, ठीक है, इसमें से जो जो मैंने बता रखा उनको आपको जरूर 100% करके ही जाना है, ठीक है। जो अगला जो हमारा आठवां क्वेश्चन क्या देखेगा, हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को स्पष्ट कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन देखेगा, हिंदी कहानी में स्त्री स्वर के विषय को, यानी हिंदी कहानी में महिलाओं को लेकर के किस प्रकार से लिखा गया, 20 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और दसवां क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी गद्य के उद्भव और विकास को बताओ, यानी हिंदी जो गद्य है उसका उद्भव कैसे, यानी उसकी स्टार्टिंग कैसे, उसका विकास कैसे हुआ। तो लगभग ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिएगा BHDC 131 एक दिसंबर 2021 का क्वेश्चन, कब का है, दिसंबर 2021 का। देखिएगा इसमें से आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या इन्होंने पूछा है, इसमें से अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें से देखिएगा, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया कि आधुनिक युग के प्रमुख कालखंडों का परिचय दीजिए, यानी पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन है। देखो आधुनिक युग में प्रमुख कालखंडों वाला देखो आ गया क्वेश्चन 20 नंबर का। दूसरा देखिएगा राम भक्ति काव्य धारा के विषय पर निबंध लिखो। देखो राम भक्ति के बारे में चैप्टर में जितना लिख रखा है और आपको जितना आता है, आप उसके बारे में जो कुछ भी पढ़ के गए हैं वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, रीति सिद्धि काव्य धारा को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या, भारतेंदु युग की विशेषताओं को प्रकट कीजिए। देखो भारतेंदु युग बताना है, 20 नंबर का। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी कहानी के विकास की चर्चा करते हुए प्रेमचंद के योगदान को स्पष्ट कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। छठा देखिएगा क्या है, हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद की भूमिका बतानी, 20 नंबर का क्वेश्चन। और सातवां देखिएगा, आदिकाल के नामकरण संबंधी विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। और आठवां क्वेश्चन रहेगा, सूफी काव्य धारा की भाव व्यंजना पर निबंध लिखे, 20 नंबर का क्वेश्चन। और नौवां क्वेश्चन रहेगा, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, यानी द्विवेदी युग जो है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां बतानी, 20 नंबर का क्वेश्चन। और दसवां क्वेश्चन रहेगा, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को बताइए, ये 20 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो रिपीट बहुत ज्यादा, अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पेपर आपको बताए हैं,
जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर ज्यादा बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिमिलर आते हैं, बहुत ज्यादा मैच करता है, यानी रिपीट बहुत करेंगे। क्योंकि 5 साल का जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें आपको बाकायदा ये बात पता चलेगी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इग्नू रिपीट करता है। ठीक है, देखिएगा बीएचडीसी 131 ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन, कब का, दिसंबर 22 का। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डाली, देखो पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो आदि काल की विभिन्न काव्यधाराओं का परिचय दीजिए, दूसरे चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखेगा भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए, तीसरे चैप्टर से तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन, चौथा देखो संत काव्यधारा के भाव पक्ष को लिखिए, चौथे चैप्टर से चौथा क्वेश्चन, पांचवा शायद हो गए। अगला देखेगा भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए, पांचवा क्वेश्चन। छठा देखो प्रेमचंद युग, प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी पर प्रकाश डालिए, ये भी छठा क्वेश्चन। सातवां देखो समकालीन हिंदी काव्य के विकास को स्पष्ट कीजिए, सातवां क्वेश्चन। आठवां देखेगा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के योगदान की चर्चा कीजिए, आठवां क्वेश्चन। नवां देखेगा भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक पर एक निबंध लिखिए, दसवां क्वेश्चन का हिंदी निबंध के इतिहास में शुक्ल युग के महत्व की स्पष्ट कीजिए। ये लगभग कितने क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, 30 क्वेश्चन बता दिए। अब इसमें से देखते जाओ कितना रिपीट हो रहा। अगला क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एक क्वेश्चन पेपर जून 22 का है, देखिएगा बीएचडीसी 131 जून 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा, देखिएगा बीएचडीसी 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से इन्होंने पूछ लिया, पहले चैप्टर से क्वेश्चन नहीं दिया है। आदिकालीन काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय दीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा भक्ति आंदोलन के उदय पर प्रकाश डालिए, दूसरा क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन पहले भी आया था। तीसरा देखो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विकास को परिचय दीजिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चौथा देखा रीतिबद्ध काव्यधारा को स्पष्ट करते हुए प्रमुख कवियों के योगदान की चर्चा कीजिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। पांचवा देखेगा नई कहानी की विशेषता बताओ, 20 नंबर का पांचवा क्वेश्चन। छठा देखेगा स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास के विकास को रेखांकित कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। सातवां छायावाद की प्रमुख विशेषता बताओ, 20 नंबर का क्वेश्चन। आठवां देखेगा प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के विकास को रेखांकित कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। और नौवां क्वेश्चन हमारा रहेगा द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों पर एक निबंध लिखिए, 20 नंबर का। और दसवां भारतेंदु युगीन गद्य के परिचय दीजिए, 20 नंबर का। अगर टोटल अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला देखेगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, अगला क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का, कब है जून 2023 का, देखेगा ये रहा जून 2023 का। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन देखो आधुनिक युग के विभिन्न कालखंडों को समुचित परिचय दीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा देखेगा भक्ति आंदोलन की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति बतानी है, 20 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तीसरा देखेगा सूफी काव्यधारा पर हमको क्या करना, इस पर निबंध लिखना, सूफी काव्यधारा किस प्रकार की, इस पर निबंध लिखना। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सूफी काव्यधारा, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। चौथा देखो राम काव्य परंपरा के विकास को रेखांकित कीजिए, भी क्वेश्चन रिपीट है। पांचवा देखेगा प्रमुख रीतिबद्ध कवियों के योगदान की चर्चा कीजिए, भी क्वेश्चन रिपीट है। छठा देखेगा द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में प्रकाश डालिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। और सातवां दिया है द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए, यानी द्विवेदी युग में कौन कौन से प्रमुख कवि हैं उनको बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। और आठवां क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद और प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के विकास को रेखांकित कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। और अगला देखेगा हिंदी उपन्यास के प्रमुख कवियों की विवेचना कीजिए, हिंदी उपन्यास में प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, 20 नंबर का। और दसवां क्वेश्चन क्या है, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के विषय पर निबंध लिखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। अरे 5 साल का जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बताया, इसमें से जितने क्वेश्चन है अगर आप लोग इसमें से आधे भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि क्वेश्चन 100% रिपीट ही होगा। एक बात मेरी याद रखिएगा, पहला चैप्टर करके जाना है, अब मैं चैप्टर के बारे में बात जिक्र कर देता हूँ। पहला चैप्टर पढ़ के जाना है, तीसरा चैप्टर पढ़ के जाना है, चौथा पांचवा चैप्टर पढ़ के जाना है, और राम और कृष्ण भक्ति 100% पढ़ के जाना है। अब आ जाओ पीछे के साइड में, प्रेमचंद वाला पढ़ के जाना है, द्विवेदी वाला पढ़ के जाना है, ठीक है, और निबंध वाला पढ़ के जाना है, और एक और कर लेना आप लोग जिसको मैंने बताया कि जो उपन्यास है, इतना कर लेना, इसी में से आपका एग्जाम 100% पास। देखो एक बात बता दूं, देखो सुनिएगा ध्यान से कि एग्जाम में 10 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 10 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं लगभग 17 चैप्टर हैं, 16-17 चैप्टर हैं। तो मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप लोग 10 भी चैप्टर पढ़ो, सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ो, ठीक है,
क्योंकि समय आपके लिए पास आपके समय आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अगर आप लोग सेलेक्टेड चैप्टर यानी 10 चैप्टर मुझे लगता है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि 10 चैप्टर हम पढ़ के जाएंगे तो भाई हो सकता है 10 में से कम से कम आधा तो मैच करेगा, क्योंकि 5 हमें तो करना है और 10 में से हमको 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 10 में से 5 तभी अटेम्प्ट हो सकता है कि कम से कम आपको 10 से 12 चैप्टर आपको आने चाहिए। 10 से 12 चैप्टर में काम करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा इतना पकड़ लो और फिर पीछे के कुछ चैप्टर को पकड़ लो, इसी में आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। एक बात बता दूं, जो एग्जाम की तैयारी है उसको बहुत स्टडी बना के करी जाती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना और नॉलेज होना दोनों अलग अलग बातें, मैंने इसको कई बार आपसे जिक्र किया है। तो आप लोग बीएचडीसी 131 की जो आपको तैयारी करनी है इसमें से काम करो, कुछ चैप्टर को सेलेक्ट कर लो जो हमने बात की है, और बाकी मैं आपको क्लास जो पढ़ाऊंगा वो सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरी बुक मैंने दिसंबर में पढ़ा रखी है, आप जाकर के पूरी किताब को देख सकते हैं, लगभग वो 3 घंटे का वीडियो होगा, बहुत लंबा वीडियो है, उसमें आप जरूर उस किताब को पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बार जो आपको मैराथन में पढ़ाऊंगा उसमें सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए आपको क्लास भी उसकी बहुत जल्द आपको देखने को जरूर मिल जाएगी, आप वीडियो भी आपको बहुत जल्द आ जाएगा। बाकी जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ करके जरूर जाइएगा।